बजाज की पल्सर 150। और इस बाइक का हम फुल इंजन ओपन करने वाले हैं, और सबसे पहले मैं आपको इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ कि इंजन की आवाज़ कैसी है, क्योंकि ये बाइक जो है धुआं मार रही है, इस वजह से मुझे पूरा इंजन खोलना है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे साइलेंसर जो है काफ़ी ज़्यादा गीला है, इसमें जो है ब्लैक स्मोक कार्बन जो है काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। और मैं बाइक को स्टार्ट करके इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ, बहुत ही बेकार कंडीशन में है इंजन। तो बाइक को हम स्टार्ट करते हैं और इंजन की आवाज़ आपको सुनाते हैं, क्या क्या इसमें डलेगी, किस तरह का हमें काम करना है वो बताएंगे। ये देखिए इंजन की आवाज़, आप ज़रा सुन लीजिए। जब स्लू रहता है तो इंजन की आवाज़ कुछ नॉर्मल यानी कि ठीक ठाक लगता है सुनने में, और जब ही रेस देता हूँ तो काफ़ी बेकार आवाज़ सुनने में लगता है। तो गाइस फटाफट इसे हम ओपन करते हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें डलेगी, रिंग पिस्टन, क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, प्लान ठिकाना, जितना भी चीज़ होता है इसके अंदर, जितने भी पुर्जे लगे हुए हैं उनमें से कौन सा पार्ट्स ख़राब है, कौन सा सही है, वो सारी जानकारी देंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। तो गाइस हमने इसका क्लच साइड का जितना भी पार्ट्स होता है वो ओपन कर दिया, इसके साथ ही हेड सिलेंडर ओपन किया है, और इसमें जो सिलेंडर है 25 नंबर का पिस्टन लगा हुआ है, ये सिलेंडर है, हो सकता है इससे पहले सिलेंडर एक बार चेंज किया हुआ हो और फिर उसके बाद 25 नंबर का पिस्टन डाल के बोर कराया हो। तो 25 नंबर का इसमें पिस्टन है। इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं इसका जो क्रैंक है, क्रैंक आवाज़ कर रहा है, ये देखिए क्रैंक की आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो ये साइड प्ले काफ़ी ज़्यादा है, तो साइड प्ले से ज़्यादा कोई हर्ज नहीं होता है, लेकिन इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, ये कनेक्टिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको चोट मारना है दो उंगली से। ये कनेक्टिंग जो है सीज किया हुआ है, यानी कि इसका कहना है कि इंजन जो है जाम कर गया था, तो मैंने बाद में इंजन ऑयल डाल के किसी तरीके से किक मार मार के फिर बाइक को मैंने स्टार्ट कर दिया और ये बाइक स्टार्ट हो गई। तो देखा कि मैं वैसे देख भी रहा हूँ कि नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा कचरा भी है इसके नीचे, तो इससे साफ पता चलता है कि इसका जो कनेक्टिंग है यानी कि करेंट यानी कि सीज क्या हुआ। ये देखिए इसके अंदर जो सीआर बेयरिंग छर्रा वगैरह होता है वो टूटा हुआ है, उसी का ये चीज। मैं आपको बजाज पल्सर 150 बाइक का फुल इंजन फिटिंग करना सिखाऊंगा। अभी देख सकते हैं सारे पार्ट्स जो है, सारे पुर्जे जो है बिल्कुल सामने हैं, नीचे हमने बिल्कुल सजा के रख दिया है, जितना भी पार्ट्स इसमें हम लगा रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन बजाज का। यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक किट है, इसके साथ ही हम क्लच हाउसिंग लगा रहे हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्लच हाउसिंग जो है बहुत कम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि क्लच हाउसिंग ये है, देख सकते हैं ये क्लच हाउसिंग दोस्तों हम पूरा कंप्लीट चेंज कर रहे हैं। इसी के साथ हम एक GPD पिनियन चेंज कर रहे हैं, जिसे कि हम गियर प्राइमर ड्राइव बोलते हैं, जिससे कि इंजन की आवाज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, साइंस है कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसके अंदर वो पार्ट्स रखा हुआ है, इसके साथ ही क्लच प्लेट का पूरा असेंबली है, पूरा किट है, जिसे हम FCC भी बोलते हैं। ये पूरा क्लच प्लेट का जो है पूरा फुल किट है, जिसे हम डायरेक्ट हम इसको खोल कर लगा देंगे, सेंटर हब प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, वो सभी चीज़ें इसके अंदर लगा हुआ है। इसके साथ ही हमें टाइमिंग चेन लगाना है, तो ये जर्मिन देख सकते हैं दोस्तों। एक कमाल की चीज़ मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो ऑर्डर किया था जर्मिन पार्ट्स के लिए, तो इसमें जो है सभी पैकिंग जो है मुझे बजाज का जर्मिन दे दिया है, जबकि इसका प्राइस अगर मैंने जोड़ कर देखा तो 300 के आसपास या लमसम ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, तो मैंने इसे भी इग्नोर कर दिया। चलो ठीक है, जो भी है बिल्कुल मुझे जर्मिन ही डालना है। तो इस इंजन में कितना खर्चा कर रहे हैं वो तो आपको कभी भी बीच में या फिर लास्ट में आपको बता देंगे कि कितना खर्च इस इंजन में होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इसका जो क्रैंक है ये ख़राब हो गया था, तो क्रैंक हम MB का डाल रहे हैं। MB सबसे हाई क्वालिटी का होता है, बेयरिंग होता है, बूस्ट होता है, ये बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके साथ ही हमने जिसके अंदर बेयरिंग डाला है, मेन बेयरिंग थोड़ा नज़दीक लाओ, इसमें जो मेन बेयरिंग है दोस्तों ये बिल्कुल NBC का है, ये देखिए NBC का बेयरिंग है। MB का कनेक्टिंग रॉड है, हमने पूरा कनेक्टिंग रॉड नया डाला है, ये जो है पूरा असेंबली जो है हमने क्रैंक का नया डाल दिया कनेक्टिंग रॉड।
इसके साथ ही मैं बैल बल्ब का गाइड ये सभी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। हेड देखें इधर लान पूरा उठा गया, हेड में जो बल्ब होता है ये पूरा नया डाल रहे हैं, इसके अंदर जो गाइड ख़राब था वो भी हम नया डाल रहे हैं, बालसिन नया डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें लगाना है, इंस्टॉल करना है। मैं आपको और भी दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसका जो सिलेंडर ब्लॉक है ये जेन्युइन देख सकते हैं। ये मैं आपको क्या बताऊँ यार, इसका प्राइस भी आपको दिखा दें, इसका जो MRP है ये करीब 3,028 रुपये। ये देखिए, मुझे छुपाना नहीं भाई, कस्टमर से जब यही रेट लेना है तो मैं क्यों छुपाऊँ। थोड़ा लेकिन दुखी होता है, हो जाते हैं हमारे मिस्त्री साथी, क्योंकि हर तरह का काम उन्हें करना पड़ता है, कभी कभी रेट छुपाना भी पड़ता है हम लोगों को। ये देखिए सिलेंडर किट जो है, ये सिलेंडर किट देख सकते हैं, इसके साथ पिस्टन रिंग पिन ये सब चीज़ें इसके साथ में हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लच कटोरा, पहले पूरा क्लच असेंबली का जो प्राइस है दोस्तों, ये क्लच कटोरा का जो प्राइस है 1787 रुपये है, 1787। इसके साथ ही GPD गरारी आया है, ये देखिए GPD पिनियन के साथ आया है या फिर अलग से दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अलग से दिया है कि साथ में दिया है, ये मुझे उससे पूछना पड़ेगा। देखिए ये क्लच कटोरा में क्या दिक्कत आपको बता दें, ये इसका जो रड, इसका जो रबड़ होता है वो चेंज किया गया है, लेकिन फिर भी जो है ये पले है, ये हिलता है, और जब मैं क्लच कटोरा नया डाल दूंगा तो ये हिलना डुलना बंद हो जाएगा, ये हिलता नहीं बिल्कुल भी, ये बिल्कुल फिट हो गया है बहुत अच्छे तरीके से, ये अच्छा काम करेगा। अब मैं आपको क्लच असेंबली दिखाता हूँ, पर क्लच प्लेट का, तो गाइस ये देखिए, ये देखिए क्लच प्लेट का पूरा असेंबली बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ आपको बता दें पहले ही, मेरा जहाँ तक माइंड कह रहा है, इसका जो क्लच प्लेट सेंटर है, प्रेशर प्लेट, ये जो पूरा सेट है इसका नया लगाया गया है। मैं झूठ क्या बोलूँ, ये जो सेंटर और हब, ये पूरा सेट जो है ये पहले नया लगाया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ये चीज़ें ना लगाऊँ, फ़ायदा नहीं है ये पैसा बर्बाद करके 1400 रुपये, यानी कि 1500 लमसम में इसका प्राइस पड़ जाता है, तो मैं इसको नहीं लगाऊंगा, ये चीज़ें मैं रख देता हूँ, बाकी सारे चीज़ हमें इसमें लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लगा देना है, देख सकते हैं ये बुश बड़ा सा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो बड़ा साइज का होगा वो आपको यहाँ अंदर डाल देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पेनियन उठाएँगे 32 दांत वाला, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये अंदर का जो सुराख देख रहे हैं ये हिस्सा, गड्ढा वाला पार्ट हम इस तरीके से अंदर की ओर रखेंगे, क्योंकि ये खाली वाला पार्ट जो है यहाँ पे कोई भी इस पिनियन नहीं लगता, ये इस तरीके से इंजन चैम्बर में लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक वाशर डालना है, वाशर आपको दो तरह का मिलेगा, ये देखिए दोनों में से कोई भी एक वाशर आप डाल सकते हैं, दोनों सेम होता है। नीचे हम एक वाशर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर सभी लॉक जो है एक जैसा है, जितना भी लॉक हमने निकाला ये सभी लॉक एक जैसा है, तो इनमें से कोई भी एक लॉक इसके अंदर डाल दें, यहाँ पे लगा देना है। हमने इसमें वाशर और लॉक लगा दिया और 32 दांत का ये पिनियन लगा दिया। अब हमें वापस इधर से हमें लगाना है सभी पिनियन को। देखिए यहाँ पे कौन सा पिनियन आपको लगाना है बता दे रहे हैं, ये वाला 24 दांत का जो पिनियन होगा ये लगाना है हमें, और इधर देख सकते हैं ये कट कुछ इसमें दिया हुआ है, ये भी आपको पहचान बताते हैं, ये सब देख लें, और ये अंदर की ओर रहेगी, नीचे में कोई वाशर देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फिट हो गया इस तरीके से, ये काम करेगा। अब इसके बाद दोस्तों हमें ऊपर एक वाशर डालना है, ये वाला देख सकते हैं, जो प्लेन वाशर है, जो मैंने कहा था कि दो वाशर एक जैसा होता है, ये वाशर हमें ऊपर डाल देना है इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर हमें एक पिनियन लेना है। इनमें से एक पिनियन ये वाला हमें लेना है, जो 29 टी का होगा, 29 दांत का होगा, ये पिनियन हमें लेना है, और ये पार्ट जो है हमें ऊपर की ओर रखना होगा। उसके बाद हम नीचे एक वाशर डालेंगे, जो ये वाशर डालना है, ये वाशर हमें डालना है नीचे, और फिर हम एक लॉक लगा देंगे। दो पिनियन हमें देखने को मिलता है, एक 26 नंबर का दांत वाला है और एक 21 नंबर का दांत वाला है, दोनों जो है थोड़ा सेम देखने में लगता है, तो इनमें से आपको कौन सा लगाना है आपको बता दे रहे हैं, तो इनमें से आपको लगाना है 26 दांत वाला, 26 टीथ का, और ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये अंदर की ओर रहेगी, ये देख लीजिए,
ये जो है ये अंदर की ओर रहेगी, इधर का जो नॉक है वो अलग है और इधर का नॉक अलग है। ये हमें अंदर से डालना है, ये हमने डाल दिया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमें फिर से एक भोगले वाला वाशर डालना है, ये वाला देख सकते हैं बुश जिसे हम बोलते हैं, ये ऐसे डालना है, ये अंदर की ओर जाएगी। अब इसके ऊपर हमें ये वाला बड़ा सा जो 36 नंबर का पिनियन है हमें ये लगा देना है। और ये देखिए ये नीचे से काम करना चाहिए, आपको ये ध्यान देना है। तो सभी पिनियन जो है आपस में काम करने लगा, कनेक्ट हो रहा है। और अब जो है हम इनपुट शाफ्ट को फिटिंग करेंगे। इनमें से देखिए इस शाफ्ट को हमें इस तरीके से खड़ा कर लेना है। अब यहाँ पे हमें आप ये वाला वाशर डालना है, ये देखिए ये चौड़ा सा वाशर आपको मिलेगा, देख सकते हैं बिल्कुल मैं नज़दीक में दिखा रहा हूँ। और इसे जो है नीचे डाल देना है खाली। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमें 24 नंबर का पिनियन लगाना है, देखिए। और इसमें एक निशान भी बना हुआ है वाशर का, जो कि ये जो है हमें नीचे की ओर ले जाना है, पिनियन को लगा देना है। अब इसके ऊपर हमें फिर से एक ये वाला वाशर डालना है पिनियन लगाने के बाद। तो गाइस अब यहाँ पे देख रहे हैं ये तीन पिनियन है हमारे पास, तीन पिनियन में से मैं आपको बता दूँ, ये एक 21 टी का है, 21 टी वाला है, 21 दांत का है, ये है 26 दांत का और ये है 17 दांत का। इनमें से जो हमें लगाना है आपको बता दे रहे हैं, ये 21 दांत वाला हमें लगाना है। और ये चीज़ें जो है अंदर की रहेगी इस तरीके से, ये 21 दांत वाला हमें लगाना है। हमने नीचे वाशर और एक लॉक दे दिया है। ये लग चुका है, हमें फिर से एक लॉक देना है। अब इसके ऊपर एक वाशर लग देंगे, ये वाला वाशर। फिर हमें इस पिनियन को देना है, देखिए ऊपर जो पार्ट ज़्यादा होगा उठा हुआ वो हमें ऊपर देना है। और ये देखिए ये 6 नॉक वाला है, तो इसे हम नीचे देंगे। इसके बाद फिर हम ये छोटा 17 नंबर का पिनियन दे देंगे, ये 16, हमने 26 नंबर का लगाया, अब हमें 17 नंबर का लगाना है, नीचे कोई वाशर नहीं लगेगा। और इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें एक मोटा वाशर देना है, यहाँ पे 2 वाशर मिलेगा, जो पतला वाशर जो है हमें आउटपुट शाफ्ट में देना है और मोटा वाशर हमें इनपुट शाफ्ट में देना है। पतले वाशर को हम आउटपुट शाफ्ट में दे देंगे। अब इस तरीके से हमें सारे पिनियन को हमें इस तरीके से मिला के देख लेना है। ये देखिए बिल्कुल एक काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा है, इस तरीके से सेटिंग कर लेना है। ऊपर देखिए ये वाशर हमने डाल दिया है जो पतला है, और मोटा वाशर जो है ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। और ये हमें इस तरीके से लगाना है, तो ये हमने फिटिंग कर दिया। अब हमें इस साइड में कैम ये गियर शाफ्ट को लगाना है। आप चाहे तो पहले सिलेक्टर को ही लगा सकते हैं, चलो मैं सिलेक्टर ही पहले लगाता हूँ। ये देखिए 2 सिलेक्टर जो है एक जैसा है, ये 2 सिलेक्टर जो है एक जैसा है। ये
इनमें से कोई सा भी आप लगा सकते हैं। ये हमें देना है इस साइड में, और सिंगल वाले को हम उस साइड दे देंगे इनपुट शाफ्ट में। अब मुझे ये गियर शाफ्ट को लगाना है कैम, और इसका जो ये न्यूट्रल पत्ती रहेगा ये नीचे रहेगा। वाला जो पिन रहेगा ये, इसमें एक स्प्रिंग लगता है टेंशनर का, इसे हम यहाँ पे लगाएंगे ऊपर की ओर, और थोड़ा पिनियन उठा के जो है हमें इसमें सेटिंग कर देना है, और ये एक लग चुका है। ये जो है हम किधर से भी लगा सकते हैं, जिधर चाहे उधर से लगा सकते हैं। इस साइड से देखो, दोनों को मैं आपस में लगा देता हूँ, और फिर जो है इस साइड से मैं पिनियन को उठाना है नीचे से। और ये देखिए दोनों को हमने बैठा दिया। तो दोनों सिलेक्टर देखिए अब लग चुका है, कैम से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ऊपर जो है हमने पतला वाशर दिया है। अब यहाँ पे हम एक स्प्रिंग लगा देंगे, किक स्प्रिंग, इसके साथ ही एक ये बैलेंसर जिसे ये यहाँ पे लग जाएगा। इस तरीके से आपको लगा देना है, ऐसे टाइमिंग वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। हाँ, अब मुझे करेंक को लगाना है। करेंक का जो मैग्नेट वाला पार्ट है चाबी, ये नीचे की ओर हम रखेंगे। तो इतना ये सभी चीज़ें लग चुका है, अब मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है। अब बस हमें इस पे ऊपर पैकिंग डालना है। आप चाहे तो बिना पैकिंग का भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा अच्छे तरीके से। लेकिन तो हमने यहाँ पे पैकिंग भी लगा दिया, पैकिंग में मिला था भाई, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जेन्युइन ओरिजिनल पैकिंग है। अगर लोकल रहे तो वो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वो मोटा होता है। तो सभी बोल्ट जो है इस साइज का आपको लगाना है, और साइज देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा नीचे में। ये एक उंगली के बराबर जो है खाली रहता है। अब लाइट भी आ चुकी है, तो चलो फटाफट हम इसे बांधते हैं। इसके साथ ही आपको एक ये वाला बोल्ट यहाँ पे देना है, ये देखिए 10 नंबर का जो पीतल वाशर होगा ये यहाँ पे देना है। अब देखिए ये जो प्लेट देख रहे हैं इसके अंदर एक वाल सील लगा हुआ होता है, ये हम ऊपर से दे देंगे। वाल को रोकने के लिए दिया गया है, क्योंकि इसका जो मैग्नेट है पल्सर का ये सूखा रहता है, बिना ऑयल का चलता है। खुली लियो, टॉर्च बंद है। अब चैम्बर को क्लच साइड में करके आपको ये बड़ा बोल्ट एक ठो लगाना है यहाँ पर। देखिए हमारे हाथ में एक एलेंकी बोर्ड लगा हुआ जो देख रहे हैं, ये एक गियर चेंज करने के लिए एक सिलेक्टर का ही काम करता है ये भी। तो ये वाशर जो है देखिए अगर खुल गया है तो आपको ये अंदर लगाना है इस तरीके से, और एलेंकी मैंने खोल दिया। इसका जो सुराख देख रहे हैं ये सुराख यहाँ पे लगेगा,
इस पे जाके अड़ेगा। ये टेंशनर पत्ती है, गियर को चेंज करने का काम करता है ये भी। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, इधर देखिए ऐसे लगाना है और यहाँ से हमें स्प्रिंग डालना है। और ये इसका बोल्ट है, देखिए ये है गियर शाफ्ट। अब हम इस शाफ्ट को लगा देंगे यहाँ से। या नीचे तक बैठना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये बैठ चुका है, अब देखिए यहाँ पर एक पत्ती है हमारे पास। इस पत्ती में एक बोल्ट लगा के ये यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ के सीजर गियर लगाते हैं उस जगह। तो ये देखिए हमारे पास एक शाफ्ट है, अब इसे लगाते हैं। यहाँ पे आपको वाशर दे देना है और इसको डायरेक्ट ऐसे लगा देना है। देखिए हमें इधर सीधा घुमाना है, सीधा घुमा के हमें नीचे दबा देना है। पकड़ा नहीं इंजन रे, और ये देखिए ये जो है अब फंस गया। अब इस तरीके से किक जो है काम करेगा। जैसे ही हम किक ऐसे दबाते हैं तो ये जो रेचड़ है ये रेचड़ को पकड़ करता है और हमारा किक लग जाता है। ये एक फ्री पिनियन है जो क्लच को घुमाने का काम करता है। स्टार्टिंग के लिए इसी का काम होता है। इसका जो ये देख रहे हैं ये नीचे रखना पड़ेगा हमें। रुक ठीक है। अब ये पत्ती है तो हमें इस पत्ती को ऐसे लगाना है। अब देखिए ये वाला हमें गरारी लगाना है जो टाइमिंग चेन का फिटिंग होता है इसके अंदर। और इसके लिए हमें ये जो देख रहे हैं कट चाबी का जो दिया हुआ है ये हमें नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये चाबी रहना चाहिए इस क्रैंक में। ये हमने लगा दिया। अब दोस्तों पारी है हेड सिलेंडर फिटिंग करने का, तो पहले हम सिलेंडर को फिटिंग करेंगे। और ये देखिए ये पैकिंग हमें यहाँ पर डालना है और दो बुश आपको लगाना है यहाँ पर मोटा वाला। नीचे एक वाशर लगेगा आप देख सकते हैं, उसके बाद बल्ब लगा देना है। फिर वाल सील उसके बाद बल्ब लगा देना है। यहाँ पे देखिए ये दो लॉक आपको लगाना है इसमें, और इसमें डबल स्प्रिंग होता है। ये डबल स्प्रिंग इसको हम ऐसे लगा देंगे। बहुत हार्ड होता है भाई इसका स्प्रिंग। तो हेड का दोनों बल्ब हमने लगा दिया और ये नया बल्ब है करके आया है। इसमें जो देख रहे हैं ये टॉप वन का जो रिंग है
ये ऊपर पड़ा हुआ है, इसका गैप ये नीचे पड़ा हुआ है, और टॉप टू का जो गैप है ये ऊपर पड़ा हुआ है। और इसमें मैं देख रहा हूँ उषा कंपनी का रिंग है, और पिस्टन भी शायद उषा का ही होगा। ये देखिए ये उषा का रिंग आप लोग देख रहे होंगे। चलो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसका बोर तो आपको पता ही है कि बोर जो होता है ये क्रॉस बोर होता है कंपनी से। तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि इस वीडियो में कभी दिन ना कभी रात कासिम भाई दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब समय मिलता है तो हम काम करते हैं, जब समय नहीं मिलता है तो बाहर का जो सर्विस के लिए आता है वही काम करने लगते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको दिन और रात दिखाई देता होगा। तो वीडियो आप देखते रहें, बहुत ही इंटरेस्ट वाला वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो में आप बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए इस वीडियो को। इधर देखो ऊपर, अब हमें ये चैन गाइड लगाना है। यहाँ पे हमें 5 नंबर का एलएनके बोल्ट देना है जो बुश वाला आता है, उसे दिन जो है इंजन का काम शुरू कर रहे हैं। अब मुझे हेड लगाना है, टाइमिंग चेन लगाना है, टाइमिंग चेन का टाइमिंग मिलाना आपको सिखाएंगे। इसके साथ ही जो खास चीज़ें होता है गियर होता है, सीजर गियर, इसका टाइमिंग कैसे मिलाना है वो आपको बताएंगे। अब यहाँ से आप वीडियो देखें, क्योंकि रात का जो वीडियो है थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अब जो है अब आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलेगी, साफ तरीके से आप देख पाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर जो है हेड फिटिंग करेंगे, हेड फिटिंग करने के बाद हम टाइमिंग चेन इंस्टॉल करेंगे। डन। ये देखिए बजाज का जेन्युइन टाइमिंग चेन, देखिए सिर्फ हेड गैस्केट का प्राइस है 108 रुपये, बिल्कुल ओरिजिनल। ऐसे लोग कम ही मिलेंगे, खर्च करना कम ही लोग चाहते हैं कि सभी चीज़ जो है ओरिजिनल ही देंगे। बाकी उसका कोई चॉइस नहीं था कि आपको ये सब चीज़ ओरिजिनल ही देना था, मैं खुद दे रहा हूँ। दोनों तरफ आपको ये रेसी बॉन्ड लगा देना है, वरना ये लीकेज करेगी। ये कैम शाफ्ट है इस पॉकेट वाला, ये टाइमिंग चेन वाला हेड का, इसको हम ये ऊपर रखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये ऊपर रखना है। अब हमें टाइमिंग चेन लगाना है। अब यहाँ पे अंदर एक ये बुश लगा देना है। अब ये देखिए टाइमिंग चेन का जो इस पॉकेट है ये हम इस तरीके से लगाएंगे, ये टी जो है ऊपर रहेगा तभी टाइमिंग चेन मिलता है, टाइमिंग चेन का टाइमिंग मिलता है। Thank you.
तो टाइमिंग चेन का जो हम टाइमिंग मिला रहे हैं क्लच साइड से मिला रहे हैं। मैग्नेट साइड का अगर देखेंगे चाबी तो वो मैग्नेट चाबी जो है वो नीचे की ओर रहेगी, यानी कि ऊपर की ओर रखना है मैग्नेट चाबी वाला पार्ट। और ये जो देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ है, इधर से मैं टाइमिंग मिलाना होता तो ये ऊपर की तरफ है इस साइड में जहाँ पर JPD लगता है, और ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। जो लकीर देख रहे हैं इस लकीर के बिल्कुल सीधे पर होना चाहिए चाबी। इसके साथ ही ऊपर जो इस पॉकेट देख रहे हैं ये टी बिल्कुल ऊपर रहना चाहिए और दोनों लकीर जो है बराबर पे होना चाहिए इस पॉकेट की लकीर। तो इस तरीके से टाइमिंग चेन का टाइमिंग आपको मिलाना है। अब यहाँ पे हम ये वाला बोल्ट डालेंगे, इसे डालते समय आपको ये वाशर का गड्ढा जो है ये अंदर डालना है। चार बोल्ट है पुराना वाला जो है इसका स्लिप कर गया तो मैं नया डाल रहा हूँ। स्लिप हो जाए या फिर टाइट लगे इसे एडजस्टिंग करने में तो आपको इसे फौरन बदल देना है। टैपिट एडजस्टिंग करते समय आपको बहुत ही बारीक सा आपको ऊपर नीचे प्ले रखना है एक पेपर के बराबर। ये देखिए इसकी भी जानकारी देना दोस्तों, अगर ये साइड प्ले ज़्यादा हो गया है, ये साइड प्ले अगर दोनों गरारी जो प्लास्टिक वाला देख रहे हैं अगर ज़्यादा प्ले हो गया है तो इसे आप चेंज कर दें, वरना अगर ये ठीक लगता है तो इसे छोड़ दें। इसको टाइमिंग जो है ऐसे मिलाना होता है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर जो पड़ा हुआ है ये देखिए ये लोहे का पिनियन है, ये प्लास्टिक का पिनियन है। यहाँ पे जो ये पड़ा हुआ दोनों पिनियन प्लास्टिक वाला हम इसको इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे ये यहाँ तक आता है, यानी कि देखिए ये चीज़ें जो है ये जो टीथ है दांत है हमें यहाँ पे लाना है, दूसरे दांत पे लाना है, बस इतना हमें लाना है। तो इस तरीके से आपको बता दें। अब ये लगाने से पहले आपको क्या करना है आपको बता रहा हूँ, सीजर गियर को सेटिंग कैसे करना है। ये लगाने से पहले आपको यहाँ पर जो देख रहे बैलेंसर, एक बैलेंसर जो होता है इसका एक टाइमिंग होता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे जो बिंदा सा निशान देख रहे हैं कि जब इंजन को आप ऊपर नीचे ऐसे करेंगे थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं ऊपर अगर करेंगे थोड़ा, ये बैलेंसर देखिए ये थोड़ा नीचे की ओर आएगी, और जब इंजन को नीचे करेंगे तो फिर ये बैलेंसर जो है ऊपर की ओर जाएगी। तो इस तरीके से आप देख लें कि बैलेंसर जो है इंजन जो बिल्कुल बराबर सीधा होना चाहिए, तभी सीधा इंजन है। तो मैं देख रहा हूँ बैलेंसर का जो टाइमिंग है इंजन से जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो बिंदा देख रहे हैं इंजन में जो ये कटा हुआ ये लकीर जो देख रहे हैं ये दोनों आपस में ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि टाइमिंग चेन का टाइमिंग ओके है कि नहीं। ऊपर इस पॉकेट देखना है टाइमिंग चेन वाला, यहाँ पे टाइमिंग मिला हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं देखते हैं तो आप डायरेक्ट इसको देखें, ये जो क्रैंक का जो चाबी वाला पार्ट है इसको बिल्कुल ऊपर रखना है। ये देख रहे हैं सीजर गियर को सेटिंग करना आप सीख लें। देखिए यहाँ पे भी पड़ा हुआ है और इसको हम ये यहाँ पे ला के हमने इस पत्ती को आगे की ओर बढ़ा दिया। इसी तरीके से इसको भी हम दो राउंड लेंगे। यहाँ पे जैसे ये पड़ा हुआ है तो इसे जो है हम यहाँ पे ला के छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको सीजर गियर का टाइमिंग मिलाना है, सीजर गियर को पत्ती में लगाना है। अब जो है देखिए यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं होता है कि इसको हमें इससे जोड़ना है, बस ये जो है बैलेंसर ये इंजन का जो टाइमिंग है ये मिलना चाहिए, टाइमिंग चेन का टाइमिंग मिलना चाहिए। अब इसको जो है हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ये देखिए ये लॉक है ये यहाँ पे लगता है।
तो अब हम जीपीडी गरारी को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लकीर आपको बाहर दिखता है ये हमें बाहर की ओर रखना है। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि बजाज पल्सर बाइक में ऑयल फिल्टर कहाँ पे होता है, जालियाँ कहाँ पे होता है ऑयल छांकने के लिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ऑयल पंप का इस पॉकेट, इससे ये जुड़ा हुआ होता है डायरेक्ट, ये कनेक्ट रहता है। और ये ऑयल पंप का जो फिल्टर है वो नीचे पड़ा हुआ है। कभी भी अगर आपको ऑयल पंप का फिल्टर साफ़ करना है तो आपको ये क्लच चैम्बर खोलना होगा, क्लच साइड का पल्ला खोलना होगा और फिर इस ये जो है यहाँ पे लगा हुआ होता है। इसके साथ ही ये सभी चीज़ें देख लेना, टाइमिंग यहाँ पे ओके है इसका। अब क्लच हाउजिंग लगाते समय उसको ध्यान से देखना है। क्लच हाउजिंग लगाते समय ना बैलेंसर का टाइमिंग आउट होना चाहिए और ना ये टाइमिंग चेन का टाइमिंग आउट होना चाहिए। अंदर में फ्री पिनियन होता है उसको घुमा के आप इसको लगाएं। तो ये देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट क्लच हाउजिंग जो है लग चुका है और इसका क्रैंक का जो टाइमिंग है टाइमिंग चेन वाला ये भी बिल्कुल सही है। अंदर में जो सीयर गियर ये बैलेंसर का टाइमिंग देख रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है। अब क्लच हाउजिंग का कोई टाइमिंग नहीं होता है, बस ये जो है सीजर गियर, ये बैलेंसर और ये टाइमिंग चेन का टाइमिंग, ये आपको सीधा रखना है और क्लच हाउजिंग को लगा देना है, इसका भी कोई टाइमिंग नहीं है। अब इसे हमें बाहर खींच देना है इसे और फिर एक और वाशर डालेंगे ऊपर से, फिर हम इस पत्ती को लगा देंगे। यहाँ पे आपको ये तीन बोल्ट मिलेगा, तीनों बोल्ट आपको लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे एक ये वाशर है, इसे हम अंदर की ओर इस तरीके से डालेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये है क्लच हब। क्लच हब में ये सभी क्लच प्लेट और ये जो प्रेशर प्लेट है ये हमें लगाना है साथ में। तो यहाँ पे जो वाशर लगाएंगे पहले हमें इसे देना है, ये प्लेन जो बिल्कुल बराबर है दोनों तरफ से, पहले हमें इसे लगा देना है इस तरीके से। और हम ये कटोरी टाइप का जो थोड़ा सा ढाल टाइप का जो वाशर मिलेगा इसको हम ऐसे खड़ा रखेंगे, ना कि हम ऐसे पट रखेंगे, इसे हमें ऐसे खड़ा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं तो हमने इसे खड़ा लगा दिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक क्लच प्लेट लगाएंगे जो पतला वाला होता है, ये वाला सिंगल पीस का आधा हाफ होता है, यानी कि एक क्लच प्लेट हमने इसके ऊपर लगाया। अब देखिए यहाँ पे जब सारा क्लच प्लेट सेंटर है वो हर चीज़ फिटिंग कर देंगे, जब टाइट करेंगे तो इस वाशर को जो है नीचे की ओर दबा के रखता है। अगर हम उल्टा लगा देंगे तो वो सही तरीके से नहीं दबा पाएगा क्योंकि ये जो है वैसे काम नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हम एक प्रेशर प्लेट को लगाएंगे, तो इनमें से कोई सा भी प्रेशर प्लेट आप लगा सकते हैं। अब आपको बता दें प्रेशर प्लेट कैसे लगाना है। प्रेशर प्लेट जब भी आपको लगाना होगा इनमें से आपको, जैसे कि ये देखिए ये जो जिधर धार नहीं होता है, आप चाहे तो इसे ऐसे लगाएं तो सभी को ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आप अगर नीचे करके लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं तो सभी को जो है ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ज़्यादा गड्ढा देखेंगे जिधर ज़्यादा फैल होता है, ये हम अंदर की ओर ले जाएंगे। अब क्लच प्लेट को सेटिंग करेंगे हम, तो इसमें टोटल प्लेट जो है वो 5 पीस लगा है। गरारी उठ ले,
ये मैंने बैलेंसर, ये तीनों स्क्रू ख़राब था, हमने नया डाल दिया। ये टेंशनर लगाने के लिए पहले आपको इस तरीके से इसे टाइट करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये टाइमिंग चेंज जो है ये बाहर की ओर ही रखता है, बाहर ही रखेगा, और फिर हम बोल्ट टाइट कर देंगे टाइमिंग चेन टूट जाएगा या फिर टेंशनर ख़राब हो जाएगा। तो इसको पहले हमें क्या करना होता है, ऐसे में फुल टाइट करना होता है। ये टाइट हो गया, अब एक जगह रुक गया है, अब सोल्यूशन लगा के जो है इसमें सेटिंग करते हैं। अभी देखिए टेंशनर को हमने खोला नहीं है, तो ये अभी ये चैन जो है अभी लूज है, ये देखिए ये चैन अभी लूज है, थोड़ा ये लूज रहता है। अब इसको हम जैसे ही खोल देंगे तो चैन जो है वो टाइट हो जाएगा, ये देखना। अभी चैन जो है ये टाइट हो चुका है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे चैन धीरे धीरे लूज होता जाएगा तो ये टेंशनर ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ता जाएगा, चैन को टाइट रखेगा, और जब ये पूरा फुल हो जाएगा टेंशनर तो इस तरीके से टाइमिंग चेन को टाइट नहीं कर पाता है और वो आवाज़ करने लगता है। तो फिर ऐसे हालात में हमें टाइमिंग चेन को बदलना होता है, और कभी कभी टाइमिंग चेन सही रहते हुए भी जो है टेंशनर का स्प्रिंग टूट जाता है और टाइमिंग चेन को टाइट नहीं रख पाता है और हमारी गाड़ी इंजन जो है आवाज़ करने लगती है और लोग कहते हैं कि टाइमिंग चेन ख़राब है। तो टाइमिंग चेन बदलने से पहले आपको बाहर ही ये टेंशनर खोल कर देखना है कि स्प्रिंग टूटा उठा है क्या, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फाइनली ये बाइक तैयार हो चुकी है, इंजन मैंने पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया और बाइक स्टार्ट भी हो गई, और हम जो है अपनी वर्कशॉप से करीब 1 किलोमीटर दूर आए अपनी गाड़ी को ट्राई लेने के लिए, और आपको आवाज़ सुनाने वाले हैं। इंजन की आवाज़ जो है पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है, मुझे लगता है मुझे पूरा 99% मुझे उम्मीद है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जो पार्ट्स मैंने लगाए, इंजन की आवाज़ इतनी बेहतरीन हो गई है, मैं जब वहाँ से गाड़ी चलाते हुए यहाँ आ रहा था इंजन की आवाज़ बहुत ही बेहतरीन लगा हमें, और ऐसा लगा जैसे कि मैं बिल्कुल नया बाइक चला रहा हूँ। चलो मैं आपको इंजन की आवाज़ पहले सुनाता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी राइड भी करके आपको दिखाएंगे कि चलते हुए इंजन की आवाज़ कैसा है, इसका साउंड कैसा है। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने देखा कि जब पुरानी बाइक हो जाती है पल्सर की तो हन हन जैसा आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है इसमें। तो भाई अभी जो है हमने इसका ट्यूनिंग नहीं किया है सिर्फ, बाकी सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। इंजन की आवाज़ एक बार सुन लीजिए, एक चीज़ देख रहे हैं इस बाइक में कि चाल जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, और जब मैं क्लच पकड़ता हूं तो इंजन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कार्बोरेटर का प्रॉब्लम है, कार्बोरेटर की दोषी से ऐसा होता है। चलो मैं आपको अब इंजन की आवाज़ एक बार सुनाता हूं, बैठो बाइक चला कर हम आपको सुनाते हैं। अभी मैं क्लच के साइड ले जाता हूँ अपने माइक को, चलो रोड हमारे यहाँ ठीक ठाक नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादा चला कर नहीं दिखा सकता। अब वापस हम अपने वर्कशॉप की ओर जाते हैं। दोस्तों मुझे बहुत ही पसंद आया इस बाइक का चाल, मैं जो चला रहा हूँ, बाकी कस्टमर क्या जवाब देंगे इसके बारे में मुझे ये नहीं पता। जहाँ तक मुझे लगता है वो खुश हो जाएंगे क्योंकि पहले से बहुत ही बदल चुका है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में A to Z जानकारी दिया आपको, फुल इंजन फिटिंग कैसे करना है, क्या क्या पार्ट्स मैंने लगाए वो आपको अच्छे तरीके से दिखाया। तो वीडियो देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग ज़रूर बताएं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ऐसी जानकारी जो है इतना मेहनत करके किसी भी ने भी जो है इस पल्सर बाइक का जो है फुल इंजन फिटिंग करके नहीं दिखाया होगा,
तो अगर आपको लगता है कि ये पहला वीडियो है हमारे लिए, यानी कि आपके लिए पहला वीडियो लगता है कि ऐसी जानकारी हमें मिली है, तो वीडियो सच में कहता हूँ यार दिल से एक बार शेयर कर दें और एक लाइक कर दें। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। तो देखिए वीडियो बनाने में या फिर इंजन बांधने में मुझे करीब 2 दिन लगे, क्योंकि काम भी बाहर का आ जाता है, तो फिर बार बार जो है मुझे वो भी काम भी करना पड़ता है, इसीलिए रात और दिन का जो है वीडियो आपको देखना पड़ा। और कोई कोई पार्ट ऐसा था जो कि खड़ा देखना पड़ा, यानी कि शॉर्ट लॉन्ग दोनों टाइप का वीडियो था हमारा। और अब ज़्यादा क्या बोले भाई, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो एडिटिंग करने में, करीब 6 घंटे लगे। आपको पता है अभी देखिए 5:45 बज रहे हैं ना, तो मैं तकरीबन 2 बजे से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और अब तक जो है करीब 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे लग गए भाई वीडियो एडिटिंग करने में, और अब मुझे जो है इसे एक्सपोर्ट करना है और फिर मुझे पब्लिश करना है आप लोगों के बीच। तो यार काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को शेयर करें, बस इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। बस अब क्या आंखों में आंसू गिरवाओगे भाई, 3 लाख सब्सक्राइबर पूरा कंप्लीट होने वाला है हमारा कासिम मोटर यूट्यूब चैनल में। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की वजह से आज मैं 3 लाख सब्सक्राइबर पाया हूँ। और हमारे गोड्डा जिला में जो है, हमारे इधर जो है कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है बाइक मैकेनिक जो 3 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर सके अब तक, और मैं फर्स्ट एक यूट्यूबर हूँ जो मैंने 3 लाख सब्सक्राइबर तक पूरा किया। तो भाई आप इसके लिए क्या जवाब देंगे, आप ही लोग बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।